आप देख सकते हो ये सीट है, इस पर ये बर्फ जम गई है। -6 डिग्री टेम्परेचर है। अब मैं जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए, एवेटार द वे ऑफ वाटर। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि फेवरेट मूवी देखने के लिए ऐसा भी दिन आएगा। सो मुझे जिस हिसाब से टिकट मिली है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वहाँ पे टाइम लिखा है 00:01 आवर, या ये जर्मन में लिखा है। आज के दिन में मैंने 3 बार इनको कॉल किया, बिकॉज जब मैं टिकट बुक कर रहा था तो मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखनी थी। यही शो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल था, तो ना अभी अच्छा है। बहुत साल हो चुके हैं एवेटार 1 को देखे, 13 साल, एंड ये मूवी मेरे दिल के काफ़ी करीब है, तो मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही था कैसे करके भी। जब यहाँ पे एडवांस बुकिंग की डेट आई तो यही वाला शो मुझे मिल रहा था फर्स्ट डे फर्स्ट शो में, एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड कि ये शो रात के 12 बजे का है कि दिन के 12 बजे का, क्योंकि यहाँ जर्मनी में 24 घंटे के हिसाब से क्लॉक चलती है, तो 00 का मतलब 12 तो बजना ही चाहिए। ये आ चुके हैं ट्राम, इसमें बैठ के अभी जाएंगे थिएटर तक। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अभी बानहोफ पे। ये बानहोफ है, इसे रेलवे स्टेशन कहते हैं हम, एंड जर्मन में बानहोफ, एंड उसके सामने ही है सिनेमैक्स जिसका मैंने टिकट बुक किया है। ओके, सबसे पहले इस ट्रेन को जाने दो और फिर मैं दिखाता हूँ सिनेमैक्स वहाँ पे। मेरे को सच में ना इतने घूस बम्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक तो लंबे टाइम से मूवी नहीं देखा, ऊपर से एवेटार का मैं बहुत अच्छा फ़ैन हूँ, मतलब कैमरून के मैंने बहुत सारे मूवीज देख लिए हैं। इवन मैं एवेटार 1 देख के उसको रिवाइज करके भी आया हूँ, जिससे स्टोरी प्लॉट समझने में और मज़ा आए। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे जर्मनी में, ये एक ही दिन, मतलब आज जो फर्स्ट डे है ना, तभी इन लोग ने रात का शो है, यहाँ पे नाइट शो नहीं होते। मैक्सिमम आपको लेट वाला शो 10 बजे का मिल जाएगा, उससे ज़्यादा लेट नहीं मिलेगा। तो आई एम वेरी सरप्राइज कि ये 12 बजे का शो जो मुझे दिया है, मुझे लगता था शायद मेरा पढ़ने में गलती हो रहा है वगैरह वगैरह कुछ भी। मैंने अभी 2 लोगों से कंफर्म किया ट्राम में, एंड उन्होंने बताया नहीं भाई ये 12 बजे का ही शो है। तो सच में बहुत गूब्स बम्स आ रहे हैं, क्योंकि अब मैं पहुंच चुका हूं थिएटर पे, बस आज ये मूवी अच्छे से देखने को मिल जाए 3D में। एंड यहाँ जो 3D है इसका नाम है मैक्सिमम 3D, तो इसकी डिटेल्स ये स्क्रीन पे मैं आपको दे देता हूँ। बट डॉल्बी वगैरह अच्छा है, एंड दोनों जो लेंसेज से जो शूट होता है ना अलग अलग, उसकी जो इफ़ेक्ट है वो अच्छी है। तो ये लोग के पास ये वाली टेक्नोलॉजी है मैक्सिमम 3D। एंड ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये हाँ नज़दीक जा कर दिखाता हूँ, बट ये है एक छोटा सा बिल्डिंग, इसे यहाँ पर ये लोग किनो कहते हैं थिएटर। अभी रात को 3 शो है, 2 इंग्लिश शो एंड 1 जर्मन शो। इंग्लिश शो में इन्होंने 2 थिएटर दिए हैं, एक छोटा थिएटर एंड एक बड़ा थिएटर, एंड जर्मन शो में एक बड़ा थिएटर। तो जो जर्मन शो है वो पूरा पैक्ड है, मैं उसका शायद स्नैपशॉट निकाल पाऊँ आपको दिखाऊँगा। एंड इंग्लिश शो है उसमें ज़्यादा लोग है नहीं, तो अंदर जाके ही पता चलेगा एक्चुअल सिनारियो क्या है। हो गया, सो अंदर लॉगिन वगैरह कर दिया, एंड अभी जाके पहले थिएटर ढूंढते हैं। इसको मैंने पूछा कि भाई तेरा यहाँ पे जो मैक्सिमम 3D है वो क्या है, उसको भी पता नहीं था क्या है, तो जाके ही पता चलेगा। ये है अंदर का ऐसा एक छोटा सा थिएटर का सिनेरियो, लाइटिंग वगैरह अच्छा है, एंड जिसके पास ज़्यादा पैसे हो वो यहाँ पे जाए, क्योंकि हेलो हाय प्राइस दिखा देता हूँ, प्राइस देख के ही भाग जाओगे, जितनी खाने की प्राइस है उतनी टिकट की प्राइस है।
ये है 3D ग्लासेस, यहाँ आपको जो पेन के जो पेपर है यहाँ पे डालना है, एंड यहाँ से ये ग्लासेस भी है। ये है 3D ग्लासेस, यहाँ पे सारे सेम ही है। तो हम ये वाले उठा लेते हैं एंड इसको अभी निकाल के देखते हैं कैसे है। वही प्लास्टिक वाला है, मतलब कुछ ऐसी अच्छी क्वालिटी नहीं है। सो ठीक ठाक ही है, वही मतलब एक बार पहन के फेंकने वाला है ये। तो वॉशरूम यहाँ पे, चलो जाके देखते हैं, सरप्राइज करते हैं कि यहाँ पे वॉशरूम कैसे होंगे। कोई है नहीं, साफ सुथरे ही है ये, अच्छे है। यहाँ पे वॉशरूम सारे साफ सुथरे है। भाई मैं आधा घंटा जल्दी आ गया हूँ, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो कुछ ना कुछ आज टूर करवा लेता हूँ। चलो यहाँ पे इंतज़ार ख़त्म हुआ एंड अभी 10 मिनट और बाकी है, अभी अंदर जाके बैठता हूँ मैं। चलते हैं अंदर एंड देखते हैं कितने लोग आए हैं अभी। बस अभी रेडी हो गए और ये शुरू हो रहा है। यहाँ पे भी एड चल रही है, लोकल जो सिटी की एड्स होती है। बस भाई जल्दी से शुरू कर दे मूवी। सीधा थिएटर से बाहर निकल के तुरंत मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई मूवी ख़त्म हो गई एंड ऑनेस्टली बहुत ही बढ़िया मूवी रही, बहुत ही बढ़िया मूवी रही, इतनी बढ़िया रही। मुझे ऐसा फील होता है शायद मैं ये मूवी देखने के लिए दूसरी बार आऊँगा। पूरा अभी थिएटर खाली है क्योंकि मेरा वाला शो ख़त्म हो गया है एंड अभी ऊपर और दूसरा शो चल रहा है, वो आई थिंक 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे को एक 10 मिनट का विंडो मिला है, फटाक से मैं थिएटर में बैठ के ही अपना रिएक्शन वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिससे आपको भी पता चले कि ये तुरंत लाइव रिएक्शन आ रहा है, दो दिन जल्दी। हेलो हेलो एंड वेलकम टू दिस रिएक्शन वीडियो ऑफ एवेटार। एक्चुअली रिएक्शन नहीं, रिव्यू वीडियो है। आप देख सकते हो कि मैं अभी भी थिएटर के अंदर ही हूँ एंड मूवी ख़त्म हुए ऑलमोस्ट 3 मिनट हुआ है एंड मैंने तुरंत ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मूवी बहुत ही बढ़िया है, एवेटार 1 से और भी बहुत बढ़िया, बेटर है। इसके अंदर जो इन लोग ने टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जिस हिसाब से 3D को यूज़ किया है, साउंड डिज़ाइनिंग, स्टोरी भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस दफ़ा स्टोरी के अंदर बहुत सारे नए नए कैरेक्टर इन लोग ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपको स्टोरी में ना जिस हिसाब का मसाला चाहिए वो भी मिलेगा, मतलब एंजॉय करने के लिए बहुत मज़ा आएगा इस स्टोरी को। एंड जो हमारा मेन बंदा है जैक सिली, इसको इस दफ़ा काफ़ी लाचार दिखाया। ओके, नो मोर स्पॉइलर।
पर स्टोरी बहुत ही बढ़िया है, यू शुड वॉच इट। जितना जल्दी फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिले तो देख लो, कि इसकी बुकिंग बहुत लंबा जाने वाली है। अगर आपको स्टार्टिंग के एक दो वीक में अगर टिकट नहीं मिली, देन शायद हो सकता है कि आपको बहुत बाद में ये मूवी देखना पड़े। तो जितना जल्दी हो सके इस मूवी को देख लो। 3D बहुत ही अमेजिंग है, कुछ शॉट्स तो इतने अमेजिंग है क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से इस मूवी को शूट किया है, आई थिंक 60-70% मूवी 48 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से इन्होंने शूट किया है। एंड पानी के अंदर शूट वो वाले सारे शॉट्स बहुत ही बढ़िया, क्रिस्टल क्रिस्प, इतने मतलब इतनी सारी लाइटिंग्स। एंड जो कैरेक्टर ना इस दफा, क्योंकि पूरा फैमिली वाला मूवी है, इस मूवी में इन्होंने दो फैमिली को स्पॉटलाइट पे रखा है, जहाँ पे दो फैमिली उनके बच्चे बच्चों के बीच वॉर, फिर प्यार, फिर दोस्ती, बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है उससे क्या इन स्टोरी में क्या फ़ायदे नुकसान उनके माँ बाप को होते, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पूरी स्टोरी में इतना मस्त इन्होंने फैमिली बॉन्डिंग दिखाया है। एंड या देर आर सम सैड सीन जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, अदरवाइज ये स्पॉइलर हो जाएगा। यस, मूवी में कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद आपको आपकी फैमिली से कनेक्ट कर पाए। सो ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड मूवी है। एंड इसको मस्ट वॉच है, बिकॉज ये मूवी बाद में अगर आपने HD में देखी विदाउट 3D तो इतना मज़ा नहीं आएगा। जो भी पैसे है वो पूरे इस 3D के एक्सपीरियंस के है मूवी में। और जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो मैसेज वाली लगी, जहाँ पे जेम्स कैमरून ने इतना अच्छा मैसेज दिया है कि इंसान के दो साइड रखी है, एक क्रूअल साइड, डेविल साइड, एंड एक अच्छी गुड वाली साइड। एंड इन दोनों साइड को मर्ज करके स्टोरी को अच्छे से इन्होंने बैलेंस किया है। सारे आपको मिक्स रिएक्शन वगैरह इस मूवी के मिल जाएंगे, जहाँ पे प्यार, झगड़ा, मोहब्बत, टेक केयर, एक दूसरे से नाराज होना, स्टोरी का ये बहुत ही बढ़िया मसाला आपको 3D के अंदर ये देखने को मिलने वाला है। हो सके उतना प्लीज इसको अच्छे थिएटर में 3D में देखना, जिसका साउंड भी बढ़िया हो। कुछ ऐसे सीन है जहाँ पे इन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स दिया है, उस जगह पे डॉल्बी साउंड एंड 3D का जो कॉम्बिनेशन आपको जो एक्सपीरियंस देता है, दैट इज रियली रियली गुड। एंड आई थिंक आई एम ऑल्सो हैप्पी कि इंडिया में 2 दिन के बाद रिलीज होने वाली है। मुझे यहाँ जर्मनी में 2 दिन पहले देखने को मिला, वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे देखने को मिला, जो मैंने अभी खत्म किया है। एंड अभी टाइम हो रहा है रात के 3:30 बजे। वीडियो एडिट करते टाइम मुझे एक चीज का रियलाइज हुआ, मैंने एक्शन सीन के बारे में बात ही नहीं की। ऑब्वियसली हम सब ने ट्रेलर में कुछ एक्शन सीन की झलक देखी है, बट बिलीव मी, पानी के अंदर इतने सारे एक्शन सीन है, जो लड़ाइयां है वो सारी पानी के अंदर है। सच बताऊं तो Avatar 1 एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन था पैंडोरा का, एंड एक ट्राइब का इंट्रोडक्शन था। पैंडोरा में और भी अलग अलग ट्राइब रहती है, तो इस सेकंड पार्ट में आपको वाटर ट्राइब के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जेम्स कैमरून के मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें उन्होंने बताया है ये Avatar सीरीज का पूरा यूनिवर्स लेके आ रहे हैं। टोटल 5 फिल्में अभी तक इन्होंने फॉक्स स्टूडियो के साथ तो अनाउंस कर दी है। जेम्स कैमरून ने ये भी बताया है कि जो बच्चे हैं ये 4th मूवी के मिड तक बड़े नहीं होंगे, तो मतलब आगे जो 3री मूवी भी आने वाली है वो भी 90% बच्चों के इर्द गिर्द ही रहेगी। तो आगे की मूवी को समझने के लिए ये मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ये वीडियो लंबा हो गया है, तो इसको मैं यहाँ पे ही वाइंड अप करता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड प्लीज, आपके एंड मेरे जैसे जो भी फिल्म एंथुजियास्टिक है, वैसे फैमिली फ्रेंड्स एंड दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर करना। मैं आगे आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं Avatar के रिलेटेड और वीडियोस लाने वाला हूं। आप मूवी देखने से पहले Avatar वर्ल्ड को आराम से समझ ले, जिससे ये मूवी देखने में आपको बहुत ही आसानी होगी। जब आपके आगे के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको चीजें बहुत आराम से समझ में आएगी। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।